सर 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 मंदसौर का चार्ज लिया था, और जब पहली बार मैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आया था तब मैंने परिसर में इस घंटे को देखा था, और घंटे की साइज़ को देख के मुझे लगा कि ये ऐसी प्रदर्शित करने की चीज़ है, ये घंटा कभी बजेगा नहीं। और जब ये भगवान सहस्त्रेश्वर महादेव का काम पूरा हो रहा था तब घंटा समिति के लोगों ने आग्रह किया था कि घंटा कहीं हमको लगाना है, तो भी मुझे घंटे की साइज़, घंटे का वजन, इसके आकार को देखते हुए मुझे इसको लगाना बहुत ख़तरनाक लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन नारू भाई से एक दिन बातचीत हुई, पता चला कि घंटे को मंदिर तक लाने में भी जो ट्रॉली बनी थी वो आप ही ने बनाई थी। फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं 15 दिन में लगा दूंगा, आप मुझे जो है जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करा दो। तो हमने अपने इंजीनियर्स को कहा कि नारू भाई जैसा बोले वैसा करना है, और आज आप देखोगे कि इतना खूबसूरत घंटा, मुझे खुद भी अनुमान नहीं था कि इतना खूबसूरत लगेगा। और आज जो डेमो में आवाज़ आई मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छी आवाज़ है, रात को कभी गूंजेगा तो मुझे लगता है पूरे शहर को सुनाई देगा इसकी धमक जो है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी घटना है, बहुत खूबसूरत घंटा है, और इसके आसपास हम लैंडस्केपिंग करके और इसको और स्थान को और खूबसूरत बनाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिरों में, मैहर में भी देखा है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में घंटे का भी पूजन होता है, तो ये भी एक धार्मिक स्थल ही आप मान लो। घंटा पूजन स्थल अगर आप मैहर जाओगे तो सबसे पहले आप वहाँ श्रद्धालु घंटे का पूजन करते हैं, उसके बाद माता के दर्शन करते हैं। तो एक तरह से ये घंटा स्थल हो गया हमारा, जिसको हम लैंडस्केपिंग करके और सुंदर बनाएंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए भी कौतूहल का विषय होगा, और वो इसकी वजह से भी हमारे परिसर में ज़रूर आएंगे।